बड़ी बात हो गई हाँ? लेकिन आप इस बात को क्या समझोगे? आपने तो अपने परिवार में ये सब कभी देखा ही नहीं है ना? आपको तो पता ही नहीं है कि परिवार क्या होता है। प्रीतु, आज तक मुझे लगता था कि आप बदल गए हो राजवीर। आप कभी नहीं बदल सकते। मेरी प्रीतु कैसी लगती इस दुपट्टे में? अरे कितनी सोनी। प्रीतु पुत्र, तूने ये सब क्या कह दिया राजवीर को? मैं जानती हूँ राजवीर का गुस्सा तेज है, लेकिन सनी वो क्या कुछ नहीं बोल गया उसको। तू जानती है ना, राजवीर अपने माँ और परिवार के बारे में कुछ नहीं सुन सकता। पहले सनी ने उसकी माँ के बारे में इतना कुछ बोला और फिर तू आगे से बोल पड़ी। प्रीतो, सनी तो राजवीर को नहीं जानता, लेकिन तू तो उसे समझती है ना? अरे वो क्यों रही? क्यों ना नहीं पुत्र, रोने क्यों लगी? मैं जानती तुझे क्यों रोना आ रहा है। जब किसी अपने पर हम गुस्सा होते हैं ना, तो हमें खुद ही बुरा लगता है। पता है, मैं जब भी तेरे पापा जी के साथ लड़ती हूँ, मैं खुद ही रोने बैठ जाती हूँ। चल अब रो नहीं पुत्र, देख तेरा सूट मैंने सिल दिया। है ना सुंदर? इसके साथ जब तू राजवीर की दी हुई चुन्नी पहनेगी ना, बहुत सुंदर लगेगी। फिर देखना राजवीर का गुस्सा ऐसे ही फुर हो जाना। फिर माफी मांग लेना उससे। हाय नी, फिर क्यों रो रही है पुत्र? पता, ऐसी छोटी मोटी टकरार बहस ना होती रहनी चाहिए, प्यार बढ़ता है। चल चुप हो जा। हाँ, आज तेरी बहन का रोका है ना, तू ऐसे रोएगी? चुप हो जा, तेरे लिए भी तो खास दिन है आज। नहीं देखो तो सही, मेरी प्रीतो कैसी लगती इस दुपट्टे में? अरे कितनी सोनी लग रही है, किसी की नजर ना लगे। पता है प्रीतो, जब मीता का रिश्ता तय हुआ था ना, तो मुझे तेरी बड़ी चिंता हो रही थी। हर वक्त मैं तेरे बारे में सोचती थी। फिर जब तूने राजवीर के लिए हाँ कह दी, तो मैं इतनी खुश हुई, बता ही नहीं सकती। और अब देखो, मेरी तीनों बेटियों को अपने राजकुमार मिल गए। ध्रुव, पंकज, राजवीर, तीन दामाद हैं अब मेरे। सोच सकती है तू? अब तो बाबा जी से भी कुछ मांगते हुए शर्म आती है। सारी खुशियां मेरी बच्ची की झोली में भर दी है उन्होंने, सारी खुशियां। चल अब आ, सुनी बहाने हाथ मुंह धो और तैयार होना शुरू कर, मैं राजवीर से बात करके आती हूँ।
क्यों प्रीतो, क्यों? जब तुम जानती हो कि मैं अपने परिवार से जुड़ी कोई भी बात सुन नहीं पाता, तो क्यों कही तुमने वो बात? इधर अकेले क्यों बैठा है? चल अंदर आ मेरे साथ। अब चलिए बीजी, मैं आता हूं। तुझे यहाँ अकेला छोड़कर मैं अंदर कैसे जा सकती हूँ? चल मेरे साथ अंदर चल। प्रीतो से माफी मंगवाती हूँ, सामने आए ना तो कान खींच लेना उसके। नहीं बीजी, आप प्रीतो को मुझसे माफी मांगने के लिए मत कहिए। इस वक्त जो बुरा आपको मेरे लिए लग रहा है, ये एहसास प्रीतो को खुद होना चाहिए। गैर की चोट तो इंसान सह लेता है, लेकिन जब कोई अपना ही आपको। नहीं बीजी, प्रीतो को वो सब नहीं कहना चाहिए था। मैं जानती हूँ राजवीर, प्रीतो को वो सब नहीं कहना चाहिए था, बहुत बोल गई वो। पर वो तेरा दिल नहीं दुखाना चाहती थी राजवीर। हो सकता है उसे भी इतना ही दुख हो रहा हो जितना तुझे हो रहा है। पुत्र सनी पंकज का सगा भाई ना सही, पर है तो लड़के वाला ना। बस बातों को संभालने के लिए वो सब बोल गई वो। शादी वाला घर है पुत्र, सबको राजी खुशी रखना पड़ता है। तू तो इस घर का बेटा है ना, तुझे तो हम समझा सकते हैं। सनी को तो कुछ नहीं बोल सकते। चल गुस्सा थूक मेरे साथ अंदर आ। अरे भाई इतने काम पड़े, मेरा हाथ कौन बटाएगा? और पता है ना, शादी वाले घर में हाथ बटाने से अपनी मन चाही दुल्हन मिलती। सच भी जी। और क्या पता बाबा जी तुझसे आज ही खुश हो जाए। हो सकता है। चलिए बीजी अंदर चलते हैं। चल मैं एक मिनट आई हूँ। ओ राजवीर, सॉरी यार, वो वीर जी ने ना तुझे, यार वो ऐसा ही है, कभी कभी ना उसे खुद पता नहीं होता कि वो क्या बोल रहा है, लेकिन वो दिल का बड़ा साफ है। राजवीर देखना यार, उसकी तरफ से मैं तुझसे सॉरी बोलता हूँ। आज ये जो रोका हो रहा है ना, वो तेरी वजह से ही हो रहा है, और वीर जी ने तेरे साथ ही। तू क्या कह रहा है, ये रोका तो होना ही था। नहीं राजवीर, मैं सच कह रहा हूं, अगर तू नहीं होता ना तो मैं और मीता एक नहीं हो रहे होते। तूने ना दो प्यार करने वालों को मिलाया है, देखना बाबा जी भी तुझे तेरे सच्चे प्यार से जरूर मिलवाएंगे। अरे मैं सच कह रहा हूं, मान ले मेरी बात। अच्छा बाबा मान ली, ये भी मान लिया कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। अब तेरी इमोशनल बातें हो गई हो तो ये बता, जो कुर्ता आया था वो तूने ट्राई किया? राजवीर भैया, वो कैटरिंग वाले आपको बुला रहे हैं। ठीक। क्या तुझे भी अभी आना था? क्यों? क्योंकि क्या? कुछ नहीं। अच्छा सुन, ध्रुव जीजू कहाँ हैं? वो आएंगे, श्रुति बोली थी शाम को आएंगे। शाम को आएंगे? शाम को आएंगे, तू इतना क्यों टेंशन ले रहा है? चल बहुत काम है वैसे भी। बोला बन गया। आज या तो इस परिवार से मैं अपनी बेटी के लिए खुशियां लेकर जाऊंगी, या उसके लिए दुख लेकर। अगर इस घर से मेरी बेटी को दुख मिले तो मैं पूरे घर को बर्बाद कर दूंगी।